नमस्कार, मैं प्रीति चंद्रा, सीडीवैम न्यूज में आपका स्वागत है। ये आज के कुछ खास समाचार फटाफट न्यूज। अखिल भारतीय पाल महासभा के पदाधिकारियों ने 10 जुलाई से लापता टिंकू की खोज संबंधी प्रकरण का खुलासा करने की मांग को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। सहारनपुर के दिल्ली रोड स्थित माउंट लिटेरा जी स्कूल में एक वर्कशॉप का किया गया आयोजन। सहारनपुर के एसएसपी दिनेश कुमार पी द्वारा रिचर पुलिस लाइन में परेड के दौरान अधिकारी कर्मचारियों का टर्नआउट चेक किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहारनपुर के द्वारा जिला अभ्यास वर्ग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। श्री शिव कांवर संघ द्वारा देहरादून रोड पर संजय कर्णवाल के नेतृत्व में कांवर शिविर का धूमधाम से हुआ उद्घाटन। सिटी वेब न्यूज चैनल में समाचार फटाफट के बाद अब देखिए सहारनपुर के समाचार विस्तार से। अखिल भारतीय पाल महासभा जनपद शाखा सहारनपुर से जुड़े पदाधिकारियों व सदस्यों ने डीएम को ज्ञापन देकर 10 जुलाई से अचानक गायब हुए टिंकू प्रकरण पर विशेष ध्यान देकर अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करते हुए लापता टिंकू की खोज संबंधी प्रकरण का खुलासा करने की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस ओर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो संगठन को बाध्य होकर आंदोलनात्मक कार्यवाही करनी पड़ेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायी शासन व प्रशासन होगा। अखिल भारतीय पाल महासभा के संयोजक व संरक्षक बलजीत सिंह पाल ने कहा कि टिंकू के परिवार वाले बहुत दुखी हैं और पुलिस विभाग से निरंतर संपर्क रखे हुए, परंतु विभाग द्वारा इस प्रकरण पर यह कहकर टाल दिया जाता है कि पुलिस खोज कर रही है। ज्ञापन देने वालों में अखिल भारतीय पाल महासभा से जुड़े पदाधिकारियों व सदस्यों समेत कई लोग शामिल रहे। एक बच्चा हमारा जो टिंकू नाम का है, उसके पिताजी का नाम धीरज कुमार है और सदरपुर का रहने वाला है, नवादा रोड वेद विहार के सामने, वहाँ पर अपनी डेयरी की दुकान करता है और तब से वो 10 तारीख से वो रात्रि के गायब है, आज तक उसका कोई पता नहीं चला। हम निरंतर पुलिस विभाग से बार बार अनुरोध कर रहे हैं, मिल रहे हैं, एसपी से भी और सबसे भी हमने संडे ये बात कही है, लेकिन कोई कार्रवाई सकारात्मक नहीं हो रही है। तो हमारा तो यही केवल है कि हमारा बच्चा किसी भी तरह से मिल जाए, चाहे वो किसी भी हालत में है। उनके माता पिता बहुत दुखी हैं, जो माँ के तो ग्लूकोज चढ़ रहा है और पिता बेहोश पड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग अधिकारियों पर बार बार जा रहे हैं कि किसी भी तरह से इस प्रकरण का खुलासा किया जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहारनपुर के द्वारा जिला अभ्यास वर्ग कार्यक्रम का आयोजन आवास विकास स्थित हरि मंदिर में किया गया। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहारनपुर के जिला संयोजक सन्नी सैनी ने कहा कि आज जिला सहारनपुर का अभ्यास वर्ग चल रहा है, जिसमें जिले भर से कार्यकर्ता अपनी इकाइयों से आए हुए हैं। आज अपने जिला सहारनपुर का जिला अभ्यास वर्ग चल रहा है, जो हरि मंदिर आवास विकास में हो रहा है। इसमें जिले भर के सभी कार्यकर्ता अपनी इकाइयों से आए हुए हैं, जो कि यहाँ 100 विद्यार्थी अपेक्षित थे, तो 100 को अपने जो दायित्वान कार्यकर्ता हैं, थोड़े जो नए कार्यकर्ता हैं नवीनीकरण करने के लिए, तो उनको बुलाया गया है। उन्हें विद्यार्थी परिषद की ट्रेनिंग दी जा रही है कि विद्यार्थी परिषद का 365 दिन क्या रहता है, सदस्यता अभियान सब लेके। उसमें हमारे प्रांत के प्रांत संगठन मंत्री महेशजी राठौर जी भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ है हमें। वे अपने सत्र में जो भी है प्रांत से आए हुए हैं। कितने दिन चलेगा ये? आज एक दिन का है, इसमें 4 सत्र रहेंगे। ये 9 बजे से शुरू है, 4:30 बजे पर समापन होगा। श्री शिव कांवड़ संघ द्वारा देहरादून रोड पर संजय करणवाल के नेतृत्व में कांवड़ शिविर का उद्घाटन धूमधाम से किया गया। कांवड़ शिविर के बारे में जानकारी देते बताया कि ये कांवड़ शिविर यहां पर लगभग 19 वर्षों से निरंतर लगाया जा रहा है। इसमें सभी शिव भक्त जो कांवड़ लेकर आते हैं उनके लिए शिविर लगाए जाते हैं और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हम हमेशा शिव भक्तों की सेवा करते रहें। कांवड़ शिविर में भंडारे में 24 घंटे प्रसाद की व्यवस्था रहती है। इस अवसर पर संजय करणवाल, भारत करणवाल, रम्मी धवन, विकास करणवाल, नीरज गुप्ता, महेंद्र तनेजा समेत श्री शिव कांवड़ संघ से जुड़े पदाधिकारियों व शिव भक्त मौजूद रहे। आज शिव सेवा कांवड़ संघ, जो कि हमारे बड़े भाई संजय करणवाल जी के नेतृत्व में यहाँ पर खालसा पब्लिक स्कूल में लगाया जाता है, जो कार्य लगभग 19 वर्षों से चल रहा है। इसमें सभी शिव प्रेमी जो शिव भक्त यहाँ पर कांवड़ लेकर आते हैं, उनके रास्ते में ज़्यादा व्यवस्थाएं पहले नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरह शिविर लगते जा रहे हैं उसी के उपलक्ष्य में शिविर चलता है। 19 वर्षों से यहाँ पे हम शिव भक्तों की सेवा कर रहे हैं।
और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमेशा हम शिव भक्तों की सेवा करते रहें। कार्यक्रम का शिव सेवा कावड़ संघ का बड़े धूमधाम से उद्घाटन हुआ है भोलेनाथ के आशीर्वाद से, और ये भोलेनाथ की शादी का महोत्सव हम मना रहे हैं। ये शादी जो सावन मास में भोलेनाथ की, जिसमें पूरा परिवार हमारा, भारत करनवाल जी का, संजय करनवाल जी का, हमारे बोबी करनवाल जी का, विनीत करनवाल जी का, हमारे मार्गदर्शक महेंद्र तनेजा जी का, सभी का परिवार समर्पित भाव से यहाँ पर काम करता है। सहारनपुर के एसएसपी दिनेश कुमार पी द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में परेड के दौरान अधिकारी कर्मचारियों का टर्न आउट चेक किया गया तथा यूपी 100 की गाड़ियों के उपकरण, होटल, लाइट्स आदि एवं मैच जिम, बैरक आदि का निरीक्षण कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सहारनपुर के माउंट लिटरेजी स्कूल में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप के बारे में जानकारी देते हुए स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया कि जहां एक्सपर्ट के द्वारा बताया कि बालिकाओं के मूल अधिकार क्या हैं और कैसे वो अपने आप को एक अच्छे भविष्य के लिए तैयार कर सकती हैं। उनको गुड टच, बैड टच के अलावा कैरियर के बारे में जानकारी दी गई और इस तरह के कार्यक्रम स्कूल में होते रहते हैं। इस तरह के कार्यक्रम न सिर्फ छात्राओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं बल्कि उनको एक नई दिशा भी दिखाते हैं ताकि वे अपने करियर को उज्जवल बना सके। मेरा नाम टीडीएस भारद्वाज, प्रिंसिपल माउंट लिटरेजी स्कूल सहारनपुर। आज ये एक वर्कशॉप का आयोजन यहाँ पे किया गया जहाँ एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया गया कि बालिकाओं के मूल अधिकार क्या हैं और कैसे वो अपने आप को एक अच्छे भविष्य के लिए तैयार कर सकती हैं। उनको गुड टच, बैड टच, मैनरिज्म, करियर के बारे में जानकारी दी गई और इस तरह के प्रोग्राम जो हैं स्कूल में लगातार होते रहते हैं और इस प्रकार के प्रोग्राम ना सिर्फ बच्चियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं बल्कि उनको एक नई दिशा भी दिखाते हैं जिससे वो अपने करियर को और ज़्यादा उज्ज्वल बना सके।